विधान पालिका का मतलब है कानून बनाती है सिर्फ। द मीनिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इज इट ओनली मेक्स द लॉ। कानून का पालन करना ये विधान पालिका के हाथ में नहीं है। टू एनफोर्स द लॉ इजंट इन द हैंड्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। कानून को पालन कराने का काम कार्यपालिका का है। द टास्क ऑफ एनफोर्सिंग द लॉ इज ऑफ द एग्जीक्यूटिव विंग। वो कानून को कार्य में लाती है। दे ब्रिंग द लॉ इन टू प्रैक्टिस। और न्यायपालिका न्याय करेगी, ये कानून को मानने वाला है या नहीं है। एंड द ज्यूडिशियरी विल गिव जस्टिस एंड डिसाइड whether someone acts in accordance with the law or not. कार्य करने वाली पब्लिक होती है, यह विधान बनाने वाले होते हैं। Is it the public that follows it or is it those who make the law? प्रैक्टिकल में लाने वाले बड़े आदमी नहीं होते हैं। Those who bring it into practice aren't the eminent people. जो प्रैक्टिकल में लाने वाले हैं वो साधारण पब्लिक होती है। Those who bring it into practice is the general public. न्यायपालिका के लोग ऊंचे ऊंचे पद पर आसीन हैं। Those of the judiciary are seated at a high position. जज कहे जाते हैं, न्यायाधीश कहे जाते हैं। They are called judges, magistrates. विधान बनाने वाले विधान परिषद में बैठने वाले बड़े बड़े मंत्री कहे जाते हैं। MLA और MA MP Those who make the law, the members of the legislative council are called big ministers, MLAs and MPs. MLA means member of the legislative assembly. MP means member of the parliament. ऐसे ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन होते हैं जो कार्यपालिका को भी चलाते हैं, न्यायपालिका को भी प्रभावित कर देते हैं। They sit on such high positions that they control the executive wing and have an influence on the judiciary as well. परंतु ये सब कलयुगी दुनिया में होता है। But all this happens in the Iron Age world. नई दुनिया में ये कोई बातें नहीं होती। They don't exist in the new world. भगवान एक है तो एक तरह की शासन चलाएगा कि बीसियों तरह की शासन चलाएगा, जैसे प्रजातंत्र में। God is one, so will he rule with one set of rules or with 20 sets of rules like it is in democracy? है? एक कुर्सी पे बैठा, उसने एक नियम कानून बना दिया। दूसरा मिनिस्टर आया, उसने दूसरा नियम कानून बना दिया। One minister sits on the seat, he makes a rule. Another minister comes, he makes another rule. तीसरा मिनिस्टर आया, उसने तीसरा नियम कानून बना दिया। A third minister comes, he makes a third rule. रोज नियम कानून शासन करने के नियम कानून बदलते रहते हैं। The rules and regulations of ruling keep changing every day. तो असली शासन किसे कहें? So what will be called the true rule? असली शास्त्र किसे कहें? What will be called the true scripture? है? एक हो तब तो कहें ना। If there is one, we can name it. शासन चलाने वाला राजा भी एक हो, नियम बनाने वाला भी एक हो, है? और उसका विधान संविधान भी एक हो। There should be one king who rules the kingdom, as well as the one who makes the rules and his principles, constitution, should also be one. अपने देश का संविधान है ना? We have the constitution of our country, don't we?
उस विधान के ऊपर सबको चलना पड़े कि नहीं चलना पड़े? Does everyone have to follow it or not? संविधान के अनुकूल चलना पड़ता है ना? We have to act in accordance with it, don't we? तो हमारे भारत देश का संविधान है, ऊंचे से ऊंचा शास्त्र है गीता. So, the constitution of our country, Bharat, the highest of the high scripture is the Gita. और गीता मनुष्यों की गाई हुई गीता नहीं. And it isn't the Gita written by human beings. वो लिखी हुई गीता कागज के पत्तों वाली नहीं. भगवान ने डायरेक्ट मुख से जो बोली, सद्मुख, सत्मुख, सद्गुरु कहते हैं उसको. Not the one written on sheets of paper, but the one which God himself narrated orally, sadmukh, that is face to face, satmukh, that is through the true mouth. He is called the Sadguru. जो संविधान तैयार करता है जिंदगी जीने का, वो संविधान तो सबसे बढ़िया संविधान होगा. The one who creates the constitution of leading the life, that will be the best constitution. उसका नाम क्या है? What is its name? क्या नाम है उस संविधान का जो भगवान ने तैयार किया? What is the name of the constitution that God created? श्रीमद् भगवत गीता. The श्रीमद् भगवत गीता. क्या? What? जिसमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत दी गई है कि ऐसे ऐसे चलोगे तो ऐसे सुखी रहोगे. The one in which the most elevated directions are given. If you act like this and this, you will be happy in this way. ऐसे चलोगे तो दुखी हो जाओगे. If you act like that, you will become sad. ऐसे करने से स्वर्ग बनेगा, ऐसे करने से नरक बन जाएगा. By doing this, heaven will be created, and by doing that, hell will be created. जो गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि कही जाती है. The Gita is called the crown jewel of all the scriptures, शास्त्र. शास्त्र माना ही शासन करने का विधान. शास्त्र itself means the principle, that is विधान to rule. संविधान. The constitution, संविधान. वास्तव में सम माने संपूर्ण, विधान माने कानून. Actually, सम means संपूर्ण, that is complete, and विधान means rules. संपूर्ण कानून संपूर्ण आत्मा ही बनाएगी या अधूरे मनुष्य बनाएंगे? Will only a complete soul make the complete law, or will incomplete human beings make it? तो संपूर्ण आत्मा कौन है? Students, the complete soul will make it. So, who is that complete soul? जिसका अनुवर्तन दुनिया के सभी देशों में संविधान बनाकर किया जा रहा है. All the countries of the world are following him by making a constitution based on his laws. यही बात गीता में लिखी है. The same thing has been written in the Gita. कि भगवान जो आकर के रास्ता बना देते हैं, उसी रास्ते का सारी दुनिया अनुगमन करती है. The path that God shows on coming, the whole world follows it. मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः. मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः. जो भी दुनिया में मनुष्य हैं, वो मेरे रास्ते का ही अनुगमन करते हैं. It means all the human beings in the world follow only my path. किसने बोला? Who said that? कौन है संपूर्ण विधान बनाने वाला? पूर्ण आत्मा. Who is the complete soul who makes the complete law? एक ही है. It is only the one.
जो सभी आत्माओं का बाप है। The one who is the father of all the souls. जिसका कोई बाप नहीं, जिसे परम पिता कहा जाता है। The one who has no father. The one who is called the supreme father. आज जो हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं वो इसलिए क्योंकि आज से हमने अपने देश में अपना खुद का संविधान लागू किया था। तो क्या आपने कभी अपना संविधान देखा है? अपने संविधान में क्या लिखा है ये भी आपको जरूर पढ़ना चाहिए। लेकिन हमारा संविधान कैसा दिखता है वो भी आज हम आपको बताते हैं। और आज अब जब आप अपने संविधान को देखेंगे तो उसमें आपको श्री राम और श्री कृष्ण की तस्वीर भी नजर आएंगी। संविधान के तीसरे भाग में भगवान श्री राम की तस्वीर प्रकाशित है और ये भाग फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों के बारे में बताता है और यहां आपको भगवान श्री राम की तस्वीर नजर आएगी। देखिए, इसी संविधान में महाभारत के युद्ध की भी एक तस्वीर शामिल की गई है जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं और यह उपदेश है कर्म कर फल की इच्छा मत कर। ये श्री कृष्ण की तस्वीर है। नटराज की तस्वीर भी मौजूद है। अगर आज आप किसी भी सरकारी डॉक्यूमेंट में भगवान राम की तस्वीर लगा दें या श्री कृष्ण की तस्वीर लगा दें तो तुरंत सांप्रदायिकता के आरोप लगने लगेंगे, उस पर राजनीति शुरू हो जाएगी। और इसी देश का एक वर्ग ऐसा है जो ये कहेगा कि हमें ये संविधान मंजूर नहीं क्योंकि आपने यहां पर भगवान राम की तस्वीर लगा दी या श्री कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर आपने यहां पर लगा दी। लेकिन ऐसे तमाम लोगों को यह सोचना चाहिए कि जब 1950 में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तब हमारे संविधान निर्माताओं ने इसमें भगवान श्री राम की तस्वीर भी लगाई है और भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर भी यहां पर है।